पार्टी दिल्ली जाएगा, लाल बत्ती लाएगा। कौन है ये रविंद्र सिंह भाटी? पश्चिमी राजस्थान से और विशेषकर एक साधारण परिवार से निकले हुआ युवा तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं। आप इतने बागी क्यों हैं? परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि जनता की आवाज़ को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ी। नरेंद्र मोदी की विचारधारा ही रविंद्र भाटी की विचारधारा? मैं इस क्षेत्र का विकास चाहता हूँ, इन लोगों का विकास चाहता हूँ। प्रयास करने पे सब कुछ होता है। वो भागीरथ थे, वो गंगा को यहाँ ले आए, मुझे तो यहाँ से थोड़ा आगे तो ले आए। आपके विरोधी बोल रहे हैं कि भीड़ तो है, वोट नहीं मिलेगा। विरोधियों का काम ही बोलना ही है, उनके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए बोल लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेलीकॉप्टर के कोई सपने नहीं देखे और नहीं देखेंगे। कभी अगर मन हुआ तो इन लोगों को कह देंगे कि भैया किसी के पास हो तो ले आओ, तो एक बार चढ़ के घूम लेंगे। राजस्थान की सबसे चर्चित सीट बाड़मेर, और बाड़मेर का सबसे चर्चित चेहरा रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। यूपी में, बिहार में, बंगाल में लोग आपके वीडियोस देख रहे हैं, रैलियों में भीड़ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कौन है ये रविंद्र सिंह भाटी? पश्चिमी राजस्थान से और विशेषकर एक साधारण परिवार से निकले हुआ युवा जो इन तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने स्ट्रगल कर रहा है जी। बस इतना सा परिचय है? इससे ज़्यादा तो क्या ही है, मेरा परिचय तो ये लोग हैं। और अब अगला परिचय क्या होने चाहते हैं आप? जनता के आशीर्वाद के साथ में देश की सबसे बड़ी पंचायत में इनकी बात को मजबूती से रखना चाहता हूँ। आप इतने बागी क्यों हैं? आप छात्र जीवन में आपको टिकट नहीं मिला तो आप निर्दलीय लड़ गए, यूनिवर्सिटी में 57 साल बाद कोई निर्दलीय छात्र जीता, शिव विधानसभा से आपने टिकट मांगा नहीं मिली, फिर आपको बागी हो गए, आप निर्दलीय लड़े, फिर एक जीत दर्ज की, एक बार फिर आप खड़े हो गए निर्दलीय। स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि जनता की आवाज़ को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक सामान्य से शिक्षक हैं आपके पिताजी, जब आपने बोला था कि राजनीति में जाएंगे तो पिताजी ने मना किया था, यहाँ वहाँ भी बगावत कर दी थी? शुरुआत में मना जरूर किया था पर फिर कहा कि जो ठीक लगे वो कर। चलिए अब मुद्दों पे आते हैं, बीजेपी से नाराजगी है आपको? बिल्कुल भी नहीं है। तो बीजेपी के खिलाफ आप खड़े हो गए? क्यों, मैं तो जनता के साथ में खड़ा हूँ। क्या ये वजह नहीं है कि आपको टिकट नहीं मिली और आप निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते? टिकट मिला नहीं मिला वो उस समय की बात थी, अब जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में और जनता के लिए चुनाव। आपका मुकाबला किससे है? किसी से नहीं। कैलाश चौधरी बोल रहे हैं कि हमारा मुकाबला रविंद्र भाटी से है नहीं, हमारा मुकाबला तो कांग्रेस से होगा, उनका वो आपस में लड़ रहे होंगे। आपकी विचारधारा क्या है? क्या नरेंद्र मोदी की विचारधारा ही रविंद्र भाटी की विचारधारा है? मैं इस क्षेत्र का विकास चाहता हूँ, इन लोगों का विकास चाहता हूँ। यहाँ तो नारा लग रहा था, आज मैं आपके साथ रोड शो में आपके रहा, यहाँ नारा लग रहा था कि भाटी दिल्ली जाएगा, लाल बत्ती लाएगा। क्या लाल बत्ती ही एक मकसद है? होता तो पहले ही कर लेते, राजस्थान सरकार दे ही रही थी, लेके बैठ जाते पद माल सब कुछ। एक छोटा बच्चा मुझे मिला, वो एक अलग नारा लगा रहा था कि भाटी दिल्ली जाएगा, भाटी पानी लाएगा। उसी के लिए लड़ रहा हूँ। क्या है मुद्दा? पानी की कमी। अगर आप सांसद बन जाते हैं तो पानी कैसे ले आएंगे? आपको बताना चाहूँगा कि मजबूती से इनकी बात उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखूँगा और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, प्रयास करने पर सब कुछ होता है। वो भागीरथ थे, वो गंगा को यहाँ ले आए, मुझे तो यहाँ से थोड़ा आगे तो ले आना है। सही बात है, लेकिन एक भीड़ जो आपके साथ चलती है उसे लेकर के तरह तरह के सवाल हैं। आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं उम्मेदाराम, कैलाश चौधरी, वो सारे लोग बोलते हैं कि भीड़ जो है वो बाहर से बुलाई हुई है, किसी को भरोसा नहीं होता है कि एक निर्दलीय के लिए इतनी भीड़ आ जाएगी। कोई बात नहीं, 4 तारीख को पता चल जाएगा बाहर की अंदर की। नहीं, ये इस भीड़ का सच क्या है? क्योंकि हमने देखा कि नामांकन में उम्मेदाराम के साथ भी उतनी ही भीड़ रही बाड़मेर में, आपके साथ भी उतनी ही भीड़ रही बाड़मेर में। कि वो ये उनके लिए भीड़ होगी, मेरे लिए भीड़ नहीं, ये मेरे अपने लोग हैं जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मुझे हिम्मत देने के लिए। आज इन लोगों की बदौलत रविंद्र है और इनका एक विश्वास है, इनको एक भरोसा है कि रविंद्र दिल्ली जाएगा और हमारे लिए वो तमाम चीज़ें मूलभूत सुविधा ले आएगा जिसकी इस क्षेत्र को ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन भीड़ होना और वोट मिलना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप मानते हैं, आपके विरोधी बोल रहे हैं कि भीड़ तो है, वोट नहीं मिलेगा। विरोधियों का काम ही बोलना ही है, उनके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए बोल ही रहे हैं। शिव विधानसभा भी हमने देखा, जब आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो आपके साथ अपार भीड़ थी, लेकिन जब वोट में कन्वर्ट हुई तो हमने देखा कि जो नंबर 2 नंबर 3 थे उनको भी बहुत अच्छा वोट मिला। अगर कांग्रेस और कांग्रेस के बागी का वोट जोड़ दिया जाए तो आपसे कहीं ज़्यादा वोट था, 50,000 के मार्जिन से पीछे हो जाते अगर कांग्रेस का बागी नहीं खड़ा होता तो, लेकिन भीड़ उस समय भी आपके पास उतनी ही थी। अब
आपको बताना चाहूँगा कि उस समय भी लोगों का साथ और सहयोग रहा, छत्तीसगढ़ कौम का आशीर्वाद रहा, जिसकी बदौलत चुनाव जीत पाए। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ इस बार भी ऐतिहासिक वोटों के साथ में जनता की जीत होगी। भाटी साहब, बीजेपी से बहुत सीनियर नेताओं के आपके पास फ़ोन आए, आपको संदेश भेजा गया, ये कोशिश करी गई कि रविंद्र भाटी अपना नामांकन वापस ले लें। ये भी कहा जा रहा था बीच में जब आपने नामांकन वापस नहीं लिया कि भाई शक्ति प्रदर्शन करना था, शक्ति प्रदर्शन कर लिया, अब वापस आ जाना चाहिए। किन नेताओं से आपकी बातचीत हुई? किसी से, कोई आपके संपर्क में हो तो फिर बात किसी का? तरह तरह की बातें होती हैं, कुछ लोग बोलते हैं अमित शाह का फोन आया, कुछ लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री तो आपको चौपर में लेकर के गया, बहुत सारी बातचीत हुई। बातें करना, उनको बातें करने दीजिए, मैं धरातल पे। किसी से आपकी कोई बातचीत नहीं है? एक मुद्दा है जो आजकल पिछले कुछ दिनों से बाड़मेर में बड़ी चर्चा में है, आप लंदन क्यों गए थे? लंदन जाना बुरा ही थोड़ी ना, गलत। आप देखिए कि वो लोग जिन्होंने, मतलब आप सोचें कि बाड़मेर जैसलमेर जितना ही एक देश है, जिसने पूरे भारत पे, पूरे विश्व पे राज किया, मैं देखना चाह रहा था कि क्या है उनके पास जिसकी बदौलत तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें की। कैलाश चौधरी कह रहे हैं कि आप लंदन उसी वक्त गए जिस वक्त राहुल गांधी लंदन गए थे। राहुल गांधी चले गए होंगे, मुझे क्या लेना देना उनसे। आपकी कभी मुलाकात हुई राहुल गांधी से? नहीं, ये बेचारे नेता खूब सारे घूम रहे हैं यहाँ पे, कांग्रेस वाले, उनको मिला दो पहले। आप राहुल गांधी से कभी नहीं मिले? कभी। लंदन में भी नहीं मिले? बिल्कुल भी नहीं। एजेंसीज है, जांच करवा दे, अगर मैं निर्दोष हुआ तो ठीक, और अगर दोषी पाया जाता हूँ मैं राजनीति छोड़ दूँ। एक ये भी आरोप लग रहा है कि आप एक प्रोफेसर से मिले जो भारत के खिलाफ बातें करते हैं, फ्री कश्मीर के पोस्टर लेकर के उनके वीडियो वायरल हुए, तस्वीरें वायरल हुई, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यूनिवर्सिटी से निकला हूँ, छात्र राजनीति से निकला हूँ, और यूनिवर्सिटीज़ से मेरा एक गहरा संबंध रहा। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में गया था, एक महाशय ऐसे मिल गए, और अगर ऐसा कोई इंटरनेशनल चीज़ें होती तो कोई पागल थोड़ा ना हूँ जो सोशल मीडिया पर डालता। चीज़ें क्लियर थी, सबके साथ में शेयर भी की, वो जो इंटरनेशनल है बाद में पता भी चला, ठीक है। कश्मीर के मामले में हम स्पष्ट हैं और स्पष्ट जीवन भर रहेंगे। और रही बात दूसरी, विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं, अब क्या था कि विपक्षी पहले ये तमाम लोग चाहते थे कि भैया हमारे साथ में आके साइड में बैठे रहे, कोने में बैठे रहे, हम यूज करें। जब इनको ये समझ में आ गया कि ये जनता के लिए लड़ने आगे आएगा तो हम देशद्रोही हो गए। मतलब आप सोचें कि कुछ दिन पहले तो ये, वो तो आपको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताने लगा। अरे वो तो जच्चे जिसका सदस्य बना ना, आपके पास एजेंसी है, जांच करवाओ आप। मैं अगर जांच में दोषी सिद्ध होता हूँ मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना आप राजनीति छोड़ दो, चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप ऑन कैमरा करो, है हिम्मत तो आए, चैलेंज स्वीकार करें, जनता के सामने चैलेंज करो। कश्मीर को लेकर के रविंद्र सिंह भाटी का स्टैंड क्या है? 370 को लेकर के क्या स्टैंड है? हटिए, बढ़िया, स्वागत योग्य। आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल। 370 का बिल्कुल लटनी चाहिए थी, हटाइए। पाकिस्तान से दोस्ती का? पाकिस्तान से किस तरीके की दोस्ती? कोई दोस्ती होनी नहीं चाहिए। थार रेल चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? मैं ये इस मामले में आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे फैमिलीज हमारे यहाँ के रिश्तेदार जो उस पार है, बहुत सारे राजपूत कम्युनिटी वहाँ रहती है, इवन अमरकोट और सिंध का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पे। आज के समय में वो यहाँ आ तक नहीं पा रहे, बच्चियाँ हमारी बड़ी हो चुकी, शादियाँ नहीं हो पा रही, और तमाम ये चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक सुविधा हमें मिलनी चाहिए। अब बाघा बॉर्डर से आ रहे हो, अटारी से, तो आप सोचें कि यहाँ का आदमी 500 किलोमीटर वहाँ जाता है, 500 यहाँ आता है, 1000 किलोमीटर में, और यहाँ सिर्फ 40 किलोमीटर है। बिल्कुल। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे शांत जो बॉर्डर है उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। रविंद्र, एक मैं और आरोप पर आता हूँ। आरोप ये है कि आपने चुनाव आयोग को एक हलफनामा दिया जिसमें कहा कि मेरी 22 लाख के आसपास की कोई संपत्ति है, आपके पास कोई चल अचल संपत्तियाँ नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये जो जलवा जलाल है, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, अब तो आजकल हेलीकॉप्टर के भी आप सपने देख रहे हैं, तो वो उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेलीकॉप्टर के कोई सपने नहीं देखे और नहीं देखेंगे। हाँ, जनता कभी अगर मन हुआ तो इन लोगों को कह देंगे कि भैया किसी के पास हो तो ले आओ, तो एक बार चढ़ के घूम लेंगे। और रही बात दूसरी पैसे की, तो ये तमाम मेरे जो भाई हैं ये खुद के खर्चे से सब कुछ कर रहे हैं, और रही बात पैसों की वगैरह की, ज़्यादा ही चिंता हो रही थी, जांच करवा ले, जांच वैसे भी हो ही रही है, कई सारी एजेंसी मुझे जांच कर रही है, मिल ले कर रही हैं आपको? तो ऑलरेडी कई सारी चीज़ें, कई सारी जगह पर। कौन कौन सी एजेंसियों के रडार पे हैं समय आप? वो तो मुझे नहीं पता, पर सुनने में आता है कई बार कोई कान में आके फूंक दे जाता है कि भैया ये चल रहा है, वो चल रहा है, चल रहे तो क्या दिक्कत है। लेकिन आपके विरोधी तो ये आरोप लगाते ही है ना कि यार इतना जलवा, इतना लाभ लश्कर,
लोग कहते हैं कि कोई अदृश्य ताकत है जो इनके पीछे लगी, कुछ लोग कहते हैं विदेशी फंडिंग हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि फलाना माफिया है, कुछ लोग कहते हैं कोचिंग माफियाओं का गैंग है, कौन लोग हैं आपके साथ? आप एजेंसी से जांच करवाएं और अगर मैं निर्दोष साबित हुआ तो आपको राजनीति छोड़नी पड़ेगी और मैं दोषी हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मेरा चैलेंज स्वीकार करें। तो रविंद्र सिंह भाटी आज बता दें कि उनकी टीम में कौन लोग हैं, ये कैसे मैनेज हो रहा है, ये चुनाव ये मुझे भी नहीं पता कैसे मैनेज हो रहा है, ये तमाम लोग हैं, इन सभी का आशीर्वाद है मेरे साथ में और इनका एक भरोसा और विश्वास है। रविंद्र भाई, निर्दलीय चुनाव लड़ जाना तो ठीक है, लेकिन संसद में रह के तो आप निर्दलीय नहीं हो सकते, हर मुद्दे पे हर बिल पे आपको कोई ना कोई एक स्टैंड लेना पड़ेगा, फिर आप क्या करेंगे? जनता का जो स्टैंड रहेगा वो मेरा स्टैंड है। जनता कानून नहीं बनाएगी ना? मैं आपको बताना चाहूंगा जो इनके हित में होगा, बिल्कुल। तो जनता का हित क्या है आपको इस समय? तो क्लियर दो विचारधाराएं हैं देश में। देखिए वो समय स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी, पक्ष और विपक्ष दोनों हमारे सामने रहेंगे, हमेशा इंडिपेंडेंट बीच की कड़ी होती है, जो ठीक होगा उसके बाद। क्या रविंद्र भाटी एक ऑप्शन खोल के रख रहे हैं कि कभी बीजेपी प्रेम से बुलाए तुम चले भी जाएं? वर्तमान में मैं मेरे लोगों के बीच में बैठा हूँ और अभी चुनाव बढ़िया तरीके से जीतेंगे, फिर लोगों के बीच में बैठ के तय करेंगे क्या करना चाहिए। एक विवाद में थोड़ा सा इसको नेशनल पर्सपेक्टिव में पूछना चाहता हूँ, एक विवाद बड़ा इंडिया गठबंधन उठा रहा है इस इशू को कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, बीजेपी आएगी तो फलाना कर देगी, 29 में चुनाव नहीं होंगे। रविंद्र सिंह भाटी को भी ऐसी आशंकाएं हैं क्या, या आपके आपकी जनता को? पहली चीज कि संविधान में किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ न स्वीकार्य है, न होना चाहिए, न होने देंगे। और रही बात दूसरी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, मैं बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की इन जनता के बीच में बैठ के इनकी सेवा करना चाह रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। रविंद्र भाई आप बहुत बेबाकी से जवाब देते हैं, बहुत फायर ब्रांड नेता हैं, आपकी रैलियों में भाषण सुने, जनता भी आपको हीरो की तरह देखती है, हमने आज देखा भी। मैं कुछ फायर ब्रांड बहुत रैपिड फायर सवाल पूछता हूँ आपको, एक चुनना पड़ेगा, जनता खड़ी है। आने दीजिए। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? दोनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह। एक चुनना पड़ेगा, सब लोग जरा हौसला बढ़ाइएगा। दोनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह। वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत? दोनों ही ठीक है, दोनों ने स्ट्रगल किया, दोनों मुख्यमंत्री। रविंद्र भाटी या भजन लाल शर्मा? अपनी अपनी जगह ठीक है, वो सीएम है, मैं छोटा सा एक इनका सेवक। राजस्थान या दिल्ली? राजस्थान दिल में, दिल्ली आंखों के सामने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र भाई, TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। भाटी दिल्ली जाएगा।